तो कर लिया हमने इंतजार, बहुत कर लिया इंतजार, वो भी इनके कहने पे, क्योंकि इनके दिल में जो फीलिंग थी चल रही थी कि आएंगी माला पहनाएंगे, सब पानी फिर गया, मलावा सुखा गया। और आप लोग देख लीजिए, अब वो लोग अपने मुंह में काला पोत लें जो लोग कह रहे थे गोरखपुरिया भौजी जा रही हैं, आज खुलेगा सच, अयोध्या में खुलेगा सच, अपने मुंह में कलिका पोत लें। और एनएन डिजिटल मीडिया नहीं, फैमिली ब्लॉग लाइव अभी भी चल रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से गोरखपुरिया भौजी का खोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं गायक करम चंद्रियाती, अयोध्या श्री राम जी के नगरी, सभी को सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर 1:40 पे मैं यहाँ आ गया था, सुबह मैंने ब्लॉग डाला था, आपको मैं बता दूं कि वीडियो मैं कंपनी गार्ड में मुलाकात करूँगा, 4 से ज़्यादा हो रही हैं, अभी तक भौजी आई नहीं। और आप लोग ये मत कहिएगा आप कि आप लोग गए नहीं, आप लोग मिले नहीं, वो आ करके राम जी का दर्शन कर रही है। एक मिनट, जब तक मैं बोलूं कोई नहीं बोलेगा। राम जी का दर्शन कर रही है, हनुमान जी का दर्शन कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको पहले हमसे मिलना था, हमको उन्होंने समय दिया था। मैं अपना यहाँ पूरा दिन स्टूडियो बंद करके मैंने उनको इनके लिए समय निकाला हूँ, ठीक है, वो आई नहीं, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है दोस्तों। और एक बात, वो उनका एक बहाना था, उनके पुरानी वीडियो चले जाइए, अपने घर पे बोली हैं कि मैं 18 तारीख तक नहीं आऊंगी, इसका मतलब वो बहराइच जाती हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, भूत भरेत, सुन लीजिए, भूत भरेत जनाने के दर्शन करने जाती हैं, वो जाएं, लेकिन ये मत चूतिया बनाए कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आपके दम पे बोल देंगे कि ना ना ना। और हाँ, इतने सारे यूट्यूबर हैं, अगर किसी भी यूट्यूबर पे इसके में दम हो, फेक स्टैग नंबर हो, ओरिजिनल स्टैग मरवाए ना, इसके घर में घुस के इसको सब मारेंगे, तो नाम बदल देना। और एक बात, और एक बात, सॉरी, कहती है नहीं, ये कहती है ना कि मैं स्ट्राइक मरवाऊंगी, मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाएगा मैं स्ट्राइक मरवाऊंगी, चैनल डिलीट कराऊंगी। इतनी सारी लेडीज आई है, कोई चुप बैठेंगी नहीं? मैंने आप सबको बुलाया है नहीं? अपने मर्जी से आई है, अपने हक के लिए लड़ रही है, मुंह में करिखा पोत ले तू भी, और वो जो तेरे दो चाटो थी चेला चापर उनको भी बोल, और अपने हक के लिए लड़ो। दोस्तों मेरे लिए मत लड़ो, मैं तुमसे हाथ नहीं कर रही, नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए लड़ो राधा जी। और मैं बता दूं कि वो परम पूज्य महंत दशरथ गद्दी के, बाबा ब्रजमोहन दास के आवास पर वो जाके बैठी है, वो हमारे पास नहीं आए मिलने के लिए, अब हम स्वयं जा रहे हैं बाबा जी के पास मिलने, चूंकि बाबा जी का मेरे पास उससे मिलने नहीं जा रहे हैं। अब तक राधा राज भग गई थी, गोरखपुरिया भौजी जी भग गई है, अब जा रहे हैं उसको हम लोग ढूंढने, अब वो हम जा रहे हैं उनको ढूंढने के लिए, बिल में जा रहे हैं हम गोरखपुरिया भौजी को। मैं बता दूं, मैं गोरखपुरिया भौजी के पास नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाबा जी के पास, उसके औकात नहीं यार की मिले। यहाँ पर इतने दर्शक हैं, देख लीजिए, कैमरा घुमाइए सबके पास, डॉक्टर क्या नाम है भैया का? डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, जो हमारे भैया हैं, इतने समय बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी ला रहे हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, तो उनके थ्रू भैया से मिल रहे हैं और यहाँ पे आए हैं प्रेजेंट टाइम में। इन्होंने खुद बोला कि हमारे नगरी के हैं, आप बात करो, उन्होंने खुद स्वयं बात कराया, हमने बात भी किया और भैया ने भी वहाँ पे कॉल कर दिया था कि हमारे क्षेत्र की हमारे साथ बेटी बहन काम करती है, आपसे मिलने जा रही है, तो मैं जाऊंगी बाबा के पास जा रही हूँ, गोरखपुरिया भौजी के पास नहीं जा रही हूँ, और गोरखपुरिया भौजी भग चुकी है, यहाँ नहीं आई जहाँ आना चाहिए था उसको, तो वीडियो बना बना के क्या फॉर्मेटली दे रही है, वीडियो बना बना के व्यूज कम आ रही है, कहती है व्यूज का खेल नहीं खेलूंगी, नहीं आप कह रही है कि मैं खेलूंगी, चप्पल खेलूंगी, आप कह रही है कि यहीं आ जाओ, यहीं बैठ के सॉल्व आउट कर ले, वहाँ बैठ के सब डाउट, उसको पता है ना कि वो जानती है कि ये जब ये सब जिसके जिसके साथ हम घात किए ये लोग नहीं आएंगे ना, चलिए लेडीज से आई है, किसी चल रहे हैं बाबा ब्रजमोहन दास के पास, अगर इतने लोग का पैसा किसी यूट्यूबर को अगर कोई समस्या हो तो इसमें बोल सकता है, इतने लोग का पैसा खाई है, बोलिए, ये लेडीज का जीमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ उसके पास है, दीपू नाम का लड़का है जो उसका जो डिजिटल है गोरखपुरिया भौजी का, बहुत सारे ऐसे हैं, खुद बोलने दो, बोलो क्या कहना है, मेरा जीमेल आईडी है ना, सामने आकर गोरखपुरिया भौजी रखी है और पूरा ले लिए, मेरे पैसे भी लिए है, मेरे कितना पैसा लिए, 3,000 रुपए लिए, बोली थी स्ट्राइक क्या है, हम दूसरे से दिखाए स्ट्राइक एक भी नहीं आया, और महादेव के पास फोन किए तो बोल रहे थप्पड़ लगाएंगे, मोबाइल उधर करो, क्या 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 बोले, क्या बोले, क्या बोले, महादेव जी के पास फोन किए कि मेरा चैनल आप लोग पता नहीं क्या कर दिया है कि मेरा वॉट्स एप घट रहा है, बोले कि हम बोले कि हम यहाँ हैं, तो बोल रहे हैं कि आप अभी दो थप्पड़ लगा कर भेज देते वापिस, बस इतना ही सबूत हमारे लिए काफी है, मौके आने पे इनका सबूत भी दिया जाएगा, और अभी और सबूत है जो मेरे पास आया, मैंने तो बोला कि मैंने जितने लोग से पैसा मंगाया खुद को अच्छा दिखाने के लिए लाइव आके षड्यंत्र रची, नीचे गिराई ऐसे, इसने मालती को खाया, अब मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैं तुझको खा जाऊंगी, तू मुझको नहीं खा पाएगी,
सारा सबूत मेरे पास आते जा रहा है, तू भी सबूत मंगा। अब सबूत सबूत ही दिखाएंगे कौन कितना पैसा खाया है, सबूत भी कौन डिजिटल है कौन क्या है। लेकिन अब साबुत भेजेंगे नहीं पब्लिक, क्या जरूरत, तो पब्लिक सब कुछ जान गई, पब्लिक सब जान गई है। शेरनी भाग चुकी है, शेरनी भगोड़ी है, शेरनी बिल में घुस गई, भगोड़ी शेरनी। चलिए चलिए, क्या बात है, बाय बाय दोस्तों, बचेगी नहीं, भगवान के दरबार में बच जाएगी, बाय बाय, क्या बात।